आज के वीडियो में हम देखेंगे इस स्विच के ऊपर कैसे करंट आता है और उसको कैसे ठीक किया जाए बिना इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेक्नीशियन नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आ गया हूँ ये जो स्विच दिखाई दे रहा है आपको, बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड के ऊपर का एक ही स्विच में करंट आ रहा है। अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा कोई फॉल्ट है या कोई ऐसा करंट आ रहा है, देखिए किसी भी प्लग या किसी भी स्विच के ऊपर करंट नहीं, खाली एक ही स्विच के ऊपर ये देखिए करंट आ रहा है कुछ इस तरह से। ये देखिए उसके बॉडी को भी करंट आ रहा है। ये देखिए जैसे उसको छू लिया तो अब उनको करंट लग रहा है। तो ये मेरे कस्टमर के यहाँ पे एक ऐसी शिकायत दर्ज हो गई है और ये मेरे पास आ गई है। तो इसको कैसा हल, कैसे इसका हल निकाला जाए, कैसे क्या करेगा? ये देखिए ये स्विच तो बंद है, ये फिर भी उसके ऊपर करंट आ रहा है। इस सीलिंग फैन का इसका स्विच है ये, इसको ऊपर से भी अगर टच कर लिया तो करंट बता रहा है। ये देखिए टेस्टर की जरूरत, फैन गिन सब कुछ चल रहा है, बटन भी ठीक ठाक है, कोई बटन टूटे वाला या कटे वाला कुछ भी नहीं है, फिर भी ये करंट कैसे आता है कैसे नहीं। तो चलिए मैं उसका हाल भी दिखाता हूँ मैं आपको, और बारी बारी को आप समझ में जाओगे कि ये कैसे ठीक हो जाएगा कैसे नहीं। कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब खुद घर पर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया वैसे भी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे करंट आ रहा है, बाकी दूसरे स्विच को कोई भी करंट नहीं आ रहा है। तो इसका हाल है ये देखिए, ये जो हेयर ड्रायर मारने वाली मशीन होती है, ये हॉट जिसकी हवा जो आती है, गर्म हवा आती है, ये आपने मशीन देखी होगी, बस उस इस तरह से ये मशीन लाने की। अगर आपके पास नहीं है तो सैलून वाले के पास आसानी से मिल जाती है। अगर जान पहचान का है या अड़ोस पड़ोस में अगर कहीं पर भी आपको ये मशीन मिल जाए तो 5-10 मिनट के लिए लेके आ जाओ। तो एक्सटेंशन बॉक्स के ज़रिए दूसरे बोर्ड में से लेके आ जाओ। ये तो मैं खुद इसी बोर्ड में ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, नहीं तो आपको शॉर्ट भी लग सकता है। किसी दूसरे बोर्ड में से डाल के आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो चलिए दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने उसको ऑन कर दिया है। अब ये देखिए इसके ऊपर जिस स्विच को करंट आ रहा है उस स्विच को हम अच्छी तरह से 2 से 4 मिनट तक आराम से उसके हवा दे देंगे। जैसे ही उसको गर्म या हवा दे दी जाएगी, इसके अंदर जो भी पानी की बूंदे हैं जो भी है वो चल सूख जाएंगी। अब इसका करंट लगने का तरीका भी बताता हूँ क्यों लगता है आपको, क्योंकि उसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे ढेर सारी मिट्टी जमा हुई। देखिए अभी बारिश के दिन चल रहे हैं और जब भी हम बाथरूम से आते हैं या कहीं से भी आते हो, अगर आपका हाथ गीला हो तो इस बटन के ऊपर थोड़ा सा पानी लग जाता है। तो इसी वजह से इसके ऊपर धूल एक गट्टा हो जाती है, और बाद में बारिश के दिन है इसलिए बारिश के दिन में हवा के अंदर बहुत सी नमी होती है और ये जो मिट्टी है वो पानी को सोख लेती है और इसी के वजह से आप उनको करंट लगता है। तो अगर आपके घर पे ही ऐसा कोई फॉल्ट है तो कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही ये मशीन लाने की, हॉट गन बोलते हैं उसको, उसको हॉट गन भी बोलते हैं, और हेयर ड्रायर बाल सुखाने वाली मशीन होती है, इस मशीन लाने की। और 5 मिनट के बस 2 या 5 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट और ज़्यादा कम से कम 2 मिनट तक उसके ऊपर घुमाने की, बस इसके अंदर का पूरा पानी चला जाता है, सूख जाता है। तो चलिए देखते हैं, अभी करंट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है। देखिए बस 2 मिनट के अंदर अंदर ही देखिए यहाँ से करंट पूरा चला गया है। चलिए दिखाता हूँ मैं इसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए बहुत ही जल्दी, अगर ये बार बार समस्या उद्भव रही है अपने घर के अंदर, अगर दोबारा भी ना हो इसलिए भी वीडियो अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी वीडियो है मेरा। तो चलिए देखते रहिए, दिखाता हूँ मैं इसके अंदर करंट आ रहा है। देखिए प्लग के अंदर मैंने टेस्टर डाल दिया तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, पहले यहाँ पे लग रहा था, अभी यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो इसको मैंने सुखा दिया है इस मशीन की जरिए। तो आप भी अपने घर पर ऐसे खुद बना सकते हो, कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं। हाँ अगर इससे पहले आप अपने घर की जो भी मेन लाइन है उसको आप एक बार ऑफ़ कर दीजिए, एक ये MCB पहले ऑफ कर दीजिए, और जो भी आपके घर फ्रिज या किटकैट है उस सभी उपकरणों को निकाल लीजिए, क्योंकि आपको शॉर्ट लग सकता है ऐसे करने से। एक मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ इसलिए मैंने सीधा सीधा बना लिया था वहाँ पे डाल के, आप ऐसा मत कीजिए। बाद में जब एक बार इसके अंदर पिन डालने के बाद
अब इसको लाइन वापस आप चालू कर सकते हो, और उसको छूना मत, बस ऊपर से ही उसको कुछ इस तरीके से बोर्ड खोलकर भी आप उसके ऊपर ये मशीन चला सकते हो, और बोर्ड के अंदर से भी हम उसको चला सकते हो। हाँ, मगर इसकी इसीलिए आपको एक ज़रूरत लगनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छा एक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके पैर में कोई जूते या चप्पल होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे सब पता है, इसलिए मैं कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं पहना है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। बोर्ड खोलने के बाद भी इसके अंदर कुछ इस तरह से हवा मारनी पड़ती है जब तक वो सूख न जाए। 5 मिनट खोलने के बाद भी मैंने इसको हवा मार दी है। ये देखिए, इस बोर्ड के ऊपर जो भी धूल मिट्टी इकट्ठा हो गई थी, ये देखिए यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, उसको मैं साफ़ कर रहा हूँ टेस्टर की ज़रिए से। ये देखिए, जो भी धूल मिट्टी है पूरी की पूरी इसके ऊपर की साफ़ करनी चाहिए, नहीं तो वापस आप उनको 1-2 दिन के बाद ऐसा ही करंट लग सकता है, इसके ऊपर करंट आना चालू हो जाएगा। बारिश के दिन है इसलिए ये साफ़ करते समय अच्छी कपड़ा, सूखे वाला कपड़ा लेना चाहिए। ये सूती कपड़ा मिल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मगर वो सूखा होना चाहिए, गीला बहुत नहीं होना चाहिए। और ये साफ़ करते समय पैर में जूते या चप्पल रखनी चाहिए। यहाँ पे मैं ये लकड़ी का स्टूल है, अगर ये लकड़ी का स्टूल मिल गया तो भी अच्छा है, अगर प्लास्टिक का मिल गया तो भी अच्छा है। यहाँ पे मैं एक लकड़ी का स्टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके ऊपर जाके बैठ के मैं उसको साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी भी करंट लग सकता है ऐसा करने से, तो आप अपनी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो स्टूल के ऊपर बैठकर आप इसको आसानी से साफ़ कर सकते हो, 1-2 बार लाइन बंद करके आप उसको किया करो, क्योंकि आप उनको सावधानी से बरतनी चाहिए। छोटे बच्चे इस वीडियो को मत देखिए और ये ऐसा ट्राई मत कीजिए। ये भी इसके ऊपर धूल मिट्टी है, वो मैंने पूरी साफ़ कर ली है और अच्छे तरह से कपड़े से मैंने उसको पोंछ लिया है, और 1-2 बार मैं उसके ऊपर ये गर्म हवा मार दूँगा, ताकि इसके अंदर कुछ भी पानी की नमी या कुछ भी छोटे से बूंद भी न रह जाए। तो चलिए दिखाता हूँ मैं वाकई अपना पूरा हो गया या नहीं सक्सेस। तो फिलहाल देखिए, मैंने इसकी पिन डाल दी है यहाँ पे, और चलिए दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे करंट आ रहा है इस प्लग के अंदर, और यहाँ पे बटन के ऊपर मैं दिखाता हूँ मैं आपको कि करंट आ रहा है या नहीं। देखिए, कौन से भी बटन पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे पहले आ रहा था करंट, अभी नहीं आ रहा है। बस ये पानी की बारिश के बूंदें भी इसका कारण थी, और इसके ऊपर धूल इकट्ठा हो गई थी, इसलिए आपको करंट लग रहा था। ये देखिए, आप छू भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये सावधान तरीके से लाइन बंद करने के बाद ही आप उसको करना चाहिए। तो चलिए एक बार और दिखाता हूँ मैं, हाथों से भी इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले मैंने यहाँ पे स्विच बंद करके फ़ैन बंद कर दिया है, तो चलिए और इसको ऑन कर देता हूँ मैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे ऑन कर दिया है तो देखिए फ़ैन चलने लगा है, यहाँ पे कोई शॉर्ट गिट नहीं लग रहा है, आप भी ऐसा ही खुद बना सकते हो। ये देखिए, ऊपर से कोई भी यहाँ पे शॉर्ट गिट नहीं लग रहा है। इस मशीन के ज़रिए आप अब अपने घर पे खुद ऐसा ही बना सकते हो, किसी इलेक्ट्रिशियन या किसी मिस्त्री को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।